नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से पे अगर पुराने से पुरानी जो दांत, खाज और खुजली की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो उसको चंद मिनट में किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, अगर आपने यूज़ कर ली है महंगी महंगी जो दवाई आती है, अगर बहुत सारे नुस्खे आपने यूज़ कर ली है, अगर आप थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आज का ये वीडियो हमारे साथ देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले, नुस्खा बताने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस नुस्खे का यूज़ करेंगे दांत, खाज और खुजली पे, तो आपको जलन महसूस होगी, तभी यह नुस्खा काम कर पाएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको थोड़ी सी जलन होगी, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। मगर दोस्तों, इससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू का जो बेल है उसको आप प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। यहाँ दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहली जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी कपूर की। तो दोस्तों, आप बाजार से आसानी से इस तरह का कपूर यहाँ ले लीजिए। अगर हो सके तो आप सूत कपूर ले लीजिए जो हम दिया जलाने में यूज़ करते हैं। आपको कपूर की इस प्रकार की एक टिकिया लेनी है और इसको आप इस तरह से अच्छे से चूर कर दीजिए। बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ आपको चूर कर देना है। जब ये अच्छे से चूर हो जाए तब आपको ये जो कपूर ने आपने यहाँ चूर किया था वो आप इस प्रकार की खाली कटोरी में यहाँ आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ दूसरी जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी लेमन की, यानी कि नींबू का रस आपको यहाँ यूज़ करना होगा। तो आप लगभग इस प्रकार का आधा कटा नींबू ले लीजिए और इसका रस है वो यहाँ जो आपने कपूर मिलाया था वहाँ आप इस तरह से ऐड कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ हमने नींबू के जो सीड्स होते हैं वो नहीं निकाले, तो आप अच्छे से निकाल के ही इसका यूज़ कीजिए। थोड़ी देर बाद, 5 से 10 मिनट बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपने जो कपूर मिलाया होगा वो अच्छे से इसमें घुल मिल गया होगा। तो हो सके तो आप लगभग से 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कपूर है वो अच्छे से गल जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसको आप यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो यूज़ करने का जो टाइम है, जो बेस्ट टाइम रहेगा वो होगा रात को सोने से पहले। तो आपको जिस जगह पे जहाँ भी दांत, खाज, खुजली की प्रॉब्लम से, वहाँ आप उस जगह को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आपसे हो सके तो जो डेटॉल आता है, डेटॉल लिक्विड, उससे आप उस जगह को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ इसको रुई की मदद से उस जगह पे लगाना है। सिर्फ आपको लगाना है, ना ही आपको रब करना है, ना ही मसाज करना है। बस यूं ही लगा के आप रात भर इसको यूं ही रहने दें। दोस्तों, इसको लगाने के बाद अगर आपको जलन होती है तो 5 से 10 मिनट बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। मगर आपको जलन होती है फिर भी आप अगर इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मॉर्निंग में आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करते वक्त दोस्तों आपको ख्याल ये रखना है कि आपको जो सोप आता है साबुन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना उस जगह पे। जितने दिन आप ये नुस्खा यूज़ करेंगे उतने दिन आपको साबुन का यूज़ नहीं करना है। केवल गर्म पानी से ही आप उसको वॉश कीजिए। इसके लगभग 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही जो पुराने से पुरानी जो दांत, खाज, खुजली है उससे आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके दिल में और भी कुछ सवाल और सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।